करण जौहर का शो कॉफी विद करण हार्दिक पांड्या की वजह से विवादों में आ गया था, जिसके बाद खबर है कि जया बच्चन ने करण जौहर को खास हिदायत दी थी कि वो श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन से कोई भी विवादित प्रश्न शो में नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे किसी विवाद का हिस्सा बने। इसलिए करण जौहर ने अपने शो में श्वेता और अभिषेक से कोई पर्सनल सवाल नहीं किया। खबर है कि जल्दी इम्तियाज अली सुपरहिट फिल्म लव आजकल का रीमेक बनाने वाले हैं, जिसके लिए सारा अली खान और कार्तिक आर्यन को फाइनल किया जा सकता है। सोर्सेस की माने तो सैफ अली खान भी फिल्म में नजर आएंगे और वो सारा के पिता के रोल में दिख सकते हैं। बता दें कि पहले पार्ट में सैफ और दीपिका लीड रोल में थे। रजनीकांत की बेटी और फिल्म मेकर सौंदर्या रजनीकांत ने 2017 में बिजनेसमैन अश्विन से तलाक ले लिया था और अब वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। सौंदर्या चेन्नई में 11 फरवरी को एक्टर और बिजनेसमैन विशांत से शादी करने जा रही हैं। शादी से पहले मेहंदी और संगीत की सेरेमनी धूमधाम से 9 फरवरी को शुरू होगी। रजनीकांत के घर में शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। प्रियंका चोपड़ा इस समय अपने ससुराल लॉस एंजलिस में हैं और उनका पालतू डॉगी डायना भी उनके साथ है। डायना से प्रियंका बेहद प्यार करती हैं और एक बार फिर वो डायना की वजह से खबरों में आ गई हैं। दरअसल ठंड से बचने के लिए डायना के लिए उन्होंने 37,000 रुपए की जैकेट खरीदी है। जैकेट पहने हुए फीमेल डॉगी की तस्वीरें भी प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। फिल्म द गांधी मर्डर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को दुनिया भर में रिलीज की जा रही है, लेकिन भारत में इसकी रिलीज को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म को लेकर निर्माताओं को लगातार धमकी मिल रही है, जिसके बाद फिल्म के निर्माता लक्ष्मी आर अय्यर ने कहा है कि धमकियों के चलते उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट को भारत में टाल दिया है। साउथ में फैंस और दर्शक अपने चहेते सुपरस्टार की पोस्टर और तस्वीरों को दूध से नहलाते हैं। ऐसे में दूध की काफी बर्बादी देखने को मिलती है, जिसको देखते हुए तमिलनाडु मिल्क डीलर्स कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने साउथ सुपरस्टार से अपील की है कि वो अपने फैंस को इस तरह दूध की बर्बादी करने से रोके। टाइगर और ऋतिक रोशन जल्दी यशराज बैनर की फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये दोनों एक्शन पैक्ड फिल्म में दिखाई देंगे, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। हाल ही में फिल्म की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी इन दिनों इंटरनेट पर काफी परेशान चल रही हैं। उनकी कुछ पर्सनल डिटेल और प्राइवेट फोटो इंटरनेट पर लीक हो गई है और शेयर की जा रही हैं, जिसके बाद हंसिका ने ट्वीट करते हुए बताया है कि उनका मोबाइल और ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। उनकी टीम इससे निपटने की कोशिश कर रही है। जॉन अब्राहम ने अपनी आने वाली फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर का पोस्टर रिलीज कर दिया है, जिसमें जॉन अब्राहम एकदम डिफरेंट लुक में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। जॉन इस फिल्म में जासूस के रोल में नजर आ सकते हैं। बता दें कि इस फिल्म में पहले सुशांत सिंह राजपूत को फाइनल किया गया था, लेकिन फिल्म छोड़ने के बाद जॉन को फाइनल किया गया। शिल्पा शेट्टी और उनकी फैमिली एक मुश्किल में फंस गई है। बताया जा रहा है कि शिल्पा के दिवंगत पिता ने बिजनेस के लिए 21 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसे 2017 में लौटाना था, लेकिन पिता की मौत के बाद परिवार ने भी लोन चुकाने से मना कर दिया, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हो गया है। इसके चलते शिल्पा शेट्टी और उनकी माँ को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।